सुषमा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एजुकेशन, उत्तर प्रदेश, राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज से। आज जिस लेक्चर के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ उसका टाइटल कुछ इस प्रकार से है, ब्लॉक वन फैमिली, ब्लॉक टू रिएक्शन एंड इम्पैक्ट ऑफ डिसेबिलिटी ऑन फैमिली एंड नीड्स ऑफ फैमिली एंड काउंसलिंग। यूनिट टू के बारे में आज हम इस लेक्चर में देखेंगे और इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिएक्शन, जब भी किसी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है तो परिवार की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने इसकी पिछली कक्षाओं में भी देखा था कि क्या इस कक्षा में जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि क्या रिएक्शंस होते हैं। आज यूनिट टू के इस पॉइंट में हम मेनली जिस पे फोकस करेंगे, रिएक्शन एंड इम्पैक्ट ऑफ डिसेबिलिटी क्या होता है इसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। रिएक्शन एंड इम्पैक्ट ऑफ डिसेबिलिटी में कुछ पॉइंट्स हैं जो इस प्रकार से हैं कि हमारे परिवार में जब भी कोई स्पेशल चाइल्ड या हम कह सकते हैं कोई डिसेबल्ड बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहली जो चुनौती हम सबके सामने होती है उसे अडॉप्ट करने की, कि उस सिचुएशन को हम कैसे लेते हैं। और जहाँ तक हम जानते हैं कि हर परिवार एक स्वस्थ बच्चे की कल्पना करता है जन्म से पहले, और जन्म के बाद जब उसे पता चलता है कि हमारा बच्चा सामान्य न होकर एक स्पेशल चाइल्ड है, उसकी विशेष आवश्यकताएं हैं, तो उसको अडॉप्ट करने के लिए हमें उस समय क्या करना पड़ता है, अपने आप को एक प्रिपेयर करना पड़ता है। हम पहले से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं, तो उसके बहुत सारे मॉडल्स हैं जो दिए गए हैं। क्योंकि जब इस तरीके की स्थिति आती है तो एक तरह से कह सकते हैं साइकोलॉजिकल ट्रिगर होता है उस फैमिली के लिए, कि वो बहुत तरीके की मनोगत्यात्मक परिवर्तन उसके मन में होते हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ, बहुत सारी समस्याएं को वो महसूस करता है। तो उस सिचुएशन को कैसे अडॉप्ट करें इसके लिए बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं, जिसमें अडॉप्टेशन टू डिसेबिलिटी सबसे पहला स्टेप्स होता है कि डिसेबिलिटी को कैसे अडॉप्ट करना है। और यहाँ पर हान वाइज 1982 ने मॉडल ऑफ अडॉप्टेशन को दिया है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए हैं कि हमारी जो ये डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करने की जो स्टेजेस हैं वो कितने चरणों से होके गुजरती हैं और कौन सा ऐसा स्तर आता है जहाँ हम इस सिचुएशन को अडॉप्ट करते हैं। क्योंकि हमको पता है कि जब भी कोई नई चीज़ हमारे साथ या हमारे जीवन में होती है तो हम बहुत ज़्यादा उसमें अपने आप को संतुलित करना या व्यवस्थित करना हम सभी के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। बट इस हानबाइज के मॉडल के द्वारा हम इस चीज़ को एक क्रम से देख सकते हैं कि हमारी कौन कौन से इसमें स्टेजेस आती हैं। हानबाइज मॉडल ऑफ अडेप्टेशन, इसमें हमने देखे हैं कि इन्होंने 7 स्टेप्स बताए हैं कि किस किस स्टेप्स में, सबसे पहला अवस्था जो पहला स्टेप्स कह सकते हैं स्टेज होता है वो शॉक का होता है। जब किसी एक बच्चे के जन्म के बाद उसकी फैमिली को ये पता चलता है कि उसका बच्चा स्पेशल है तो कई बार सबसे पहले स्थिति जो होती है वो शॉक की होती है, वो बहुत सरप्राइज हो जाता है और वो समझ नहीं पाता कि हमारे बच्चे को क्या हुआ है। और इस अवस्था से गुजरने के बाद जो दूसरी अवस्था आती है वो होती है डिनाइल। डिनाइल मतलब होता है कि हम डिनाई करते हैं कि नहीं, हम उस स्थिति को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि हमारे बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम है, हम इस स्थिति को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। तो उसके बाद जब डिनाइल की अवस्था का जो ड्यूरेशन होता है वो 2 वीक्स से लेकर 2 मंथ्स तक भी हो सकता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तीसरे स्टेज पे आते हैं तो वो देखते हैं कि एंगर जो उनका डिनाई करने का होता है, धीरे धीरे कुछ समय के बाद उनको जब एक्सेप्टेंस की स्टेजेस बढ़ने लगती हैं तो वो जो डिनाइल है वो एंगर के रूप में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। फिर उन्हें क्या होता है, क्रोध, उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध उत्पन्न होता है कि ये क्या हो गया और क्यों हो गया, और इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ये क्रोध जो होता है उनका डॉक्टर के प्रति या फिर अपने पेरेंट्स के प्रति या फिर अपने हस्बैंड वाइफ में, मतलब किसी के प्रति भी कहा था, वो एंगर जो होता है वो किसी न किसी के प्रति होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो 4th स्टेज आती है वो होती है हमारी सैडनेस की। एंगर के बाद जो स्थिति आती है वो होती है सैडनेस की, कि जब हमारा क्रोध का ड्यूरेशन जो है कंप्लीट होता है उसके बाद से क्या होता है कि हम सैडनेस, दुखी होने लगते हैं। क्योंकि जब हमें पता चलता है कि हमारे फैमिली में एक दिव्यांग बच्चे ने जन्म लिया है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए दुख का भी कारण बन जाता है और हम बहुत अपने आप को असहाय और बहुत सारी चुनौतियों से घिरे हुए अपने आप को महसूस करने लगते हैं
और तब हम क्या होते हैं, एक दुख वाली अवस्था को महसूस करते हैं और हमारा परिवार जो है एक कह सकते हैं कि दुख वाले दौर से गुजरने लगता है। इसके बाद से जो स्थिति आती है वो डिटैचमेंट की आती है, कि दुख का भी एक ड्यूरेशन होता है, वो कंप्लीट होने के बाद डिटैचमेंट, कि अब हम क्या होता है उस स्थिति को से अलग होने का, मतलब अलगाव एक महसूस करते हैं कि हम उस बच्चे के प्रति या अपने परिवार के लोगों के प्रति हमारा एक नज़रिया जो होता है वो एक अलगाववादी जैसा हो जाता है, क्योंकि हम उन समस्याओं को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और अपने आप को अलग थलग या उस बच्चे से एक दूरी बनाने लगते हैं। ठीक है, फिर इसके इस स्थिति के बाद जो अगली स्थिति आती है वो है रीऑर्गेनाइजेशन की, कि उस समय भी जब बीत जाता है तो उसके बाद से हम क्या करते हैं कि हम एक कहीं ना कहीं इस स्थिति को, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने लगते हैं और फिर से अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब कि पुनः से अपने आप को संरचित करना, हम धीरे धीरे रियलिटी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और उस समस्या का क्या समाधान हो सकता है या फिर हमारे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आने लगते हैं। इसके हम डॉक्टर से या अन्य लोगों से इसके बारे में जानकारी लेने चले लगते हैं और फिर पता करते हैं कि कैसे हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं। देन उसके बाद जो अगली स्थिति आती है तब जाके वो अडेप्टेशन की आती है, कि जब हम इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं कि हमारे बच्चे में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या हो सकता है, देन हम उस स्थिति को अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट मतलब स्वीकार करना, कि हमने इस अब स्वीकार कर लिया है कि हाँ हमारे घर में एक विशेष बच्चे का जन्म हुआ है जिसकी विशेष आवश्यकताएं होंगी और उसको हमें एक विशेष केयर देने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से हमने देखा कि हानवाइज ने मॉडल ऑफ जो अडेप्टेशन दिया है इसमें 7 स्टेप्स के बारे में इन्होंने बताया है, कि जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले स्थिति शॉक की है, फिर डिनाइल की है, देन एंगर, देन सैडनेस, देन डिटैचमेंट, रीऑर्गेनाइजेशन और अडेप्टेशन। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति ये शॉक से लेकर अडेप्टेशन के बीच में कई सारे जर्नी को अपने तय करते हुए तब जाके उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर पाता है कि हमारे घर में किसी डिसेबल बच्चे का जन्म हुआ है। इम्पैक्ट ऑफ डिसेबिलिटी ऑन फैमिली, जब हम इस स्थिति को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारे फैमिली में एक डिसेबल बच्चे का जन्म हुआ है, उसकी बहुत सारी विशेष आवश्यकताएं हैं और हमें उन्हें पूरा करना है, तो उसके बाद से इम्पैक्ट जो होता है, उसका प्रभाव होता है उसका पैर परिवार पे, सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है कि अब वो जो विशेष केयर हमें करनी है, बच्चे को एक स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको जो हमें फुलफिल करना है वो कैसे होंगे। तो इसमें जो सबसे बड़ा प्रभाव होता है फैमिली पर, को उन्हें एक प्रोफेशनल की आवश्यकता होती है, कि वो अब सर्च करने लगते हैं कि हमें कहाँ से कौन से ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो हमें हमारे बच्चे को डिसेबिलिटी से लड़ने में या कह सके उसका सामना करने में हमें हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती जो फैमिली के सामने आती है उस डिसेबिलिटी को लेकर वो यही आती है कि हम कैसे समझें कि हमारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, इसे हमें कौन बताएगा, तो उसके लिए उन्हें प्रोफेशनल्स की नीड होती है। जब प्रोफेशनल्स के बारे में उन्हें पता चलता है तो जो अगली अवस्था आती है वो होती है क्रोनिक बर्डन ऑफ केयर। क्रोनिक बर्डन ऑफ केयर मीन्स हो गया कि अब हमें पता चल गया कि हमारा बच्चा इस विशेष बच्चा है और उसकी विशेष आवश्यकताएं हैं। जब विशेष आवश्यकताएं हैं तो हमें पता है कि उससे संबंधित जो कार्य भी होंगे एक सामान्य बच्चे की अपेक्षा क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाएंगे। हमें बच्चे को टाइम टू टाइम अगर फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है तो हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाना, फिजियोथेरेपी जो हमें गाइड करता है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को थेरेपी देना, या फिर बच्चे के लिए वो जो भी बताता है तो उस कार्य को करने के लिए क्या होता है बर्डन, मतलब बहुत सारे कार्य आपके ऊपर आ जाते हैं जिसका बर्डन आपके ऊपर पड़ने लगता है, कि अब हम बच्चे को केयर तो करना जान गए कि हमें बच्चे को केयर कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन उस केयर को करने के लिए अगर मान लीजिए कि पेरेंट्स वर्किंग हैं या फिर उनके घर में लोगों की संख्या कम है, तो बेसिकली पेरेंट्स पे जो मदर और फादर होते हैं उनके ऊपर इसका बर्डन बहुत ज़्यादा आने लगता है कि अब हम इस बच्चे को केयर कैसे करें। थर्ड स्टेप जो होती है उसके बाद से कि स्टिग्मा, स्टिग्मा को हम कलंक, एक तरह से कलंक या अभिशाप के रूप में क्या करते हैं, तब इस स्थिति को हम लेने लगते हैं कि अब हमारे पास एक विशेष बच्चा हो गया, इसकी विशेष आवश्यकताएं हैं, अब उसके
आगे का जो फ्यूचर होता है उन सबको लेकर हम कहते हैं कहीं ना कहीं चिंतित और दुखित होने लगते हैं। फिर हमें ऐसा लगता है कि हमें एक अभिशाप के रूप में ये चीज़ मिल गई है कि हम बच्चे को कैसे पालन पोषण करें, बच्चे को कैसे हम जॉब दिलवाएंगे, बच्चे का कैसे जो जीवन है वो कैसे चलेगा। तो इस स्थिति में भी पेरेंट्स को क्या करना गुजरना पड़ता है कि हमारे सामने विशेष बच्चे की विशेष जो समस्याओं को संभालने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसे हम कैसे फुलफिल करेंगे, और कहीं ना कहीं वो एक स्टिग्मा वाले फेज़ में आ जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि हम किसी अभिशाप से या कलंक से गुजर रहे हैं। क्योंकि ये स्थिति कई बार बहुत भयावह होती है क्योंकि ये समस्याएं जो होती हैं माइल्ड मॉडरेट सीवर प्रोफाउंड, और ऐसे में फैमिली के लिए उसमें एडजस्ट करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल या कह सकते हैं कि बहुत टफ हो जाता है। स्टिग्मा वाले फेज के बाद हम देखते हैं कि जब एक परिवार को इस बात से अवगत होने लगता है कि हमारे परिवार में एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है, तो कई बार इसका परिणाम यह भी होता है कि मैरिटल एडजस्टमेंट, डाइवोर्स एंड सिंगल पेरेंटहुड, स्थिति इतनी विकराल रूप में हमारे सामने होती है कि जो मैरिटल स्टेटस होता है एक परिवार में, जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस होते हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगते हैं। क्योंकि वो जो बर्डन, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है जिसको लेके कई बार होता है कि पेरेंट्स आपस में सामंजस्य नहीं बना पाते हैं, और उसका नतीजा यह होता है कि स्थिति डाइवोर्स तक पहुंच जाती है, वो आपस में विच्छेद होने के लिए या अलग होने का निर्णय ले लेते हैं। और देन अगर मदर या फादर में से कोई भी अलग होता है तो बच्चा किसी न किसी के पास या तो मदर के पास होगा या तो फादर के पास होगा। ऐसे में जो एक स्थिति नई उत्पन्न होती है वो होती है सिंगल पेरेंटहुड की, कि अब समस्या अभी यहाँ आती है कि वो बच्चा या तो मदर के साथ होता है या तो फादर के साथ होता है, तो अब उनकी पेरेंटिंग जो होती है उन्हें अकेले ही उस बच्चे के लिए करनी पड़ती है। मतलब कहाँ हमें अधिक लोगों की आवश्यकता थी, बट डाइवोर्स होने के बाद उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर ही आ जाती है। और जब यह स्थिति होती है तो हम देखते हैं कि फैमिली स्ट्रेस का जो लेवल होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है। क्योंकि फैमिली स्ट्रेस, जब हम सिंगल पेरेंट हैं तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब कई गुना ज़्यादा और भी बढ़ जाती हैं। जैसे कि बेकमैन्स 1983 ने इंडिकेट्स दैट सिंगल मदर्स रिपोर्टेड मोर स्ट्रेस देन मदर्स इन इंटैक्ट होम्स। बेकमैन 1983 ने इस चीज़ को रिसर्च में पाया कि जो भी सिंगल मदर्स होती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती हैं बजाय उनके कि जो मदर्स फैमिली के साथ होती हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि फैमिली स्ट्रेस अब यहाँ पे नए नए रूप में और हमारे सामने होता है। क्योंकि अगर हम सिंगल हैं तो हमारे पास अर्निंग के भी प्रॉब्लम्स हैं कि हमें अर्न भी करना होगा, हमें अपने आप को फाइनेंशली भी स्ट्रॉन्ग करना है। जो मदर्स होते हैं उनके पास अपने आप को ग्रो करने के जो चांसेस होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं कि वो अपने आप को ग्रो करने के लिए जो चीज़ें करना चाहती थी वो अब उस विशेष जिम्मेदारी के कारण नहीं कर पाती हैं। और जब ऐसा नहीं होता है तो हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करने लगते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नीड्स ऑफ फैमिली एंड काउंसलिंग, कि जब हमारे परिवार में हमारा एडॉप्टेशन हो जाता है इस परिवार में कि हमारे परिवार में एक विशेष बच्चा है, तो उस परिवार की आवश्यकताएं कैसी होती हैं और उस आवश्यकताओं में काउंसलिंग की क्या आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो हमने देखा कि इसके पहले फेज़ पे हमने देखा कि मैरिटल जो एडजस्टमेंट है वो काफ़ी टफ हो जाता है, कई बार परिवार विकृत हो जाते हैं और सिंगल पेरेंटहुड तक की स्थिति आ जाती है। वैसे में जब अगर हम सिंगल हैं या डबल हैं, या फिर मतलब कह सकते हैं कि अगर हम मैरिड हैं, हम एक साथ रह रहे हैं, या फिर हम अलगाव वाली स्थिति में हैं, तो हमारे पास ये जो फिज़िकल, इमोशनल, सोशल, फाइनेंशियल और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं इसमें इनकी आवश्यकताओं पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है। कि हमें फिज़िकल रूप से आवश्यकताएं हमारी बढ़ जाती हैं। फिज़िकल किस तरीके से होती हैं कि जब हमारे परिवार में विशेष बच्चा है, हम देखते हैं कि सामान्य बच्चे भी अगर होते हैं तो मदर को एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, कि एक मदर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उसे बच्चे को संभालना है। तो कई बार कई घरों में ऐसा होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मदर्स की ही मानी जाती है कि एक माँ है तो उसी का कार्य है उस बच्चे को संभालना, और अगर विशेष बच्चा हो गया तो कहते हैं कि तो उसके लिए वो स्थिति और भी भयावह हो जाती है कि उसे अपनी जिम्मेदारियों, अदर जिम्मेदारियों के साथ साथ उस विशेष बच्चे की विशेष आवश्यकताओं के लिए उसको फिज़िकली बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता पड़ती है, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो सारे कार्यों में एक संतुलन स्थापित कर सके।
तो यहाँ हमने देखा कि फिजिकल नीड्स जो होती है उस फैमिली की बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। देन हम देखते हैं इमोशनल। अब जब फिजिकल बढ़ेगा तो वो अगर मदर है वो एक बच्चे की केयर करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं और उसका कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो इमोशनली बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, वो ज़्यादातर दुखी या थकान भरी स्थिति को अनुभव करने लगती है। तो ऐसे में उसकी आवश्यकताएँ क्या होती हैं, इमोशनल सपोर्ट की होती हैं कि हमें फैमिली में जो अन्य सदस्य हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे फिज़िकली और इमोशनली सपोर्ट करने का प्रयास करें। जो इसके बाद जो आवश्यकता हम देखते हैं उत्पन्न होती है वो होती है सोशल, सामाजिक रूप से, कि समाज में, कि समाज जो होता है सामाजिक आवश्यकताएं कैसे बढ़ जाती हैं। कि अब जैसे हम मानते हैं कि हम मनुष्य जो होता है एक सामाजिक प्राणी होता है, उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने समाज के प्रति भी होती हैं। कि अब मान लीजिए कि एक विशेष बच्चा हमारे घर में जन्म लिया और हम विशेष आवश्यकताओं को निर्वहन करने में अब इतना ज़्यादा हम व्यस्त हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा सोशलाइजेशन जो है वो काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास फिर वो जो समय हम समाज को देना चाहिए वो हम उन्हें नहीं दे पाते हैं, या अदर जो रिलेशंस हैं, हम बहुत सारे ऐसे उत्सव होते हैं या किसी के दुख में या किसी के सुख में जब हम सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, तो उससे भी हमारा जो सामाजिक जो स्तर है वो प्रभावित होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी एक सोशल आवश्यकता को महसूस करते हैं कि समाज में हमें क्या है कि समाज के लोगों को इस स्थिति को लगते हैं कि समझने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि सभी को पता नहीं होता कि विशेष पेरेंट्स की क्या क्या आवश्यकताएं हैं या एक विशेष बच्चे को कैसे केयर करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि वो इसके बारे में बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते और फिर तरह तरह की समस्याएं जो है इससे भी उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। फाइनेंशियल आर्थिक रूप से देखते हैं कि जब हमारे बच्चे घर में विशेष बच्चे का जन्म हो गया, विशेष आवश्यकताएं हैं, तो उनकी जो विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारा क्या होता है फाइनेंशियली भी हमें बहुत सारी चीज़ों के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारे जो आर्थिक स्तर है उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें बर्डन महसूस होता है, क्योंकि जो भी विशेष आवश्यकताएँ होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए हमें बच्चे के आवश्यकता के अनुसार बहुत सारे इक्विपमेंट्स लेने पड़ते हैं, या थेरेपी करानी पड़ती है, या फिर हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट लगाना है, या फिर सपोज़ करें कि हमारा बच्चा ये हियरिंग की प्रॉब्लम है तो उसे हमें हियरिंग एड और तरह तरह की चीज़ों में बदलाव लाने पड़ते हैं। अगर सीपी बच्चा है तो हमारे घर में हमें अपने बहुत सारे मॉडिफिकेशन कराने पड़ते हैं। तो इससे क्या होता है एक परिवार पर अतिरिक्त आर्थिक भार भी बढ़ जाता है, जिस अब इसको बढ़ने के साथ साथ अब हमें क्या होता है कि इसको फुलफ़िल करने की आवश्यकता पड़ती है कि अब हम इसे फुलफ़िल कैसे करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे परिवार का जो अर्निंग है वो हमें बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, और चैलेंज हमारे सामने यह होता है कि हम विशेष पेरेंट्स हैं तो हमें अपने बच्चों की केयर भी करनी है प्लस अर्निंग भी करनी है। तो ये स्थिति भी बहुत तनावपूर्ण होती है। और जहाँ तक हम देखें कि जिन घरों में फाइनेंशियल दिक्कतें नहीं होती हैं या उनके पास ऐसी समस्या नहीं है तो वहाँ स्थिति कुछ सामान्य होती है क्योंकि वो उनकी केयर करने में सक्षम होते हैं। लेकिन जिन परिवार में ऐसी स्थिति नहीं होती है उनके सामने बहुत बड़ा ये एक समस्या का रूप जो है धारण कर लेता है। इसके बाद क्या होता है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, जब हमारे घर में समस्याएं आती हैं तो हम कहते हैं कि वो अकेले नहीं आती हैं, कई समस्याओं को साथ लेके आती हैं। अब जैसे हमने इतने सारे समस्याएं देखी हैं कि फिजिकल नीड्स की आवश्यकता होगी, इमोशनल होगी, सोशल होगी, फाइनेंशियल होगी, जब इतनी सारे चैलेंजेस हम फेस करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो आपस में इंटरपर्सनल अंतर्वैयक्तिक जो रिलेशंस होते हैं, संबंध होते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगते हैं, क्योंकि हमारे घर की आवश्यकताएँ बढ़ चुकी हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ बढ़ चुकी हैं और इनको पूरा करने में हमें क्या होता है बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं, और हमारे आपसी संबंध जो है कई बार इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगते हैं। जैसे कि माता पिता आपस में लड़ना झगड़ना या एक दूसरे को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके अलावा अगर घर में उनके माता पिता हैं या फिर और भाई बहन हैं, उनके भी जो अपनी उम्मीदें होती हैं उन पर इंसान जब खरा नहीं उतरता है तो आपस में तनावग्रस्त संबंध की उत्पत्ति होनी प्रारंभ हो जाती है। अगला जो पॉइंट है वो है काउंसलिंग। हमें इसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। कह सकते हैं कि जब हमने ये समझ लिया कि हमारा बच्चा विशेष है, उसकी आवश्यकताएं विशेष हैं और बहुत सारे चैलेंजेस को जब हम अपने लाइफ में फेस करने लगते हैं तो हम देखते हैं कि हमें काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है।
हमने अभी तक देखा कि एक विशेष बच्चे के जन्म से उसके परिवार पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसकी क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, और वो परिवार किस तरीके से प्रभावित होता है, किस किस दौर से वो गुजरता है। जब इतनी सारी स्थितियों को हमने महसूस कर लिया है, फेस कर लिया है, तो अगली जो सबसे कह सकते हैं कि मुख्य स्थिति होती है, उसमें होती है काउंसलिंग की स्थिति। कि काउंसलिंग में क्या होता है कि जब हमारे समस्याएं होती हैं और हमें उसके बारे में पता नहीं होता है कि उन समस्याओं से हमें कैसे सामना करना है, तो ऐसे में हमें किसी प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होती है। एक होता है काउंसलिंग और दूसरा होता है गाइडेंस। गाइडेंस जब भी हम आप देखते हैं कि हमारे जीवन में कोई विशेष समस्या आती है या कोई विशेष कार्य आता है, तो हम अपने से बड़े या अपने से समझदार या अपने से कह सकते हैं कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे संपर्क करते हैं कि हम इस समस्या का समाधान कैसे करें। उसी क्रम में हम देखते हैं कि जब किसी परिवार में या बौद्धिक अक्षम बच्चा उत्पन्न होता है, तो बौद्धिक अक्षम बच्चे को संभालने के लिए परिवार तरह तरह की समस्याओं का सामना करने लगता है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें ऐसे में काउंसलिंग का सहारा लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, जिससे कि वो अपने परिवार में आए जो चुनौतियाँ हैं उनको समझ सकें और उसका समाधान ढूंढने में सक्षम होने के लिए परामर्शदाता की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें ऐसे परामर्श दे सके जिससे कि हम समझ सकें कि इस चुनौती का सामना हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इस बच्चे के विकास में अपना सहयोग कर सकते हैं, कैसे हम अपने परिवार को एक संरचित मतलब एक साथ रह के एक दूसरे को के सहयोग से एक दूसरे का सहयोग करते हुए कैसे हम इन समस्याओं से उबर सकते हैं या फिर बाहर आ सकते हैं। क्योंकि हमने ऐसा देखा है समाज में कि कई बार समस्या आने के बाद परिवार जो होते हैं बिगड़ी होने लगते हैं, लेकिन ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। हम जब किसी काउंसलर के पास जाते हैं जो कि प्रोफेशनल्स होते हैं, उन्होंने बहुत सारी समस्याएं देखी होती हैं और बहुत सारी स्टडीज़ की होती है, जिससे उन्हें पता होता है कि इस समस्या का बेहतर समाधान क्या हो सकता है। तो इसके लिए हमें काउंसलिंग बहुत ही अति आवश्यक भूमिका हम कह सकते हैं कि इसमें निभाता है कि एक मानसिक मंद बच्चे का आना परिवार के लिए वाकई किसी बहुत बड़े कह सकते हैं एक भूचाल की तरह होता है, और उस भूचाल से बाहर आने के लिए परामर्शदाता के संपर्क में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि स्थिति बहुत तीव्र गति से तो नहीं बट धीरे धीरे करते हुए स्थिति एक सामान्य गति से कि परामर्शदाता के संपर्क में जाने से हम देखते हैं कि स्थिति बहुत तीव्र गति से तो नहीं बट धीरे धीरे क्या होती है कि सामान्य होने लगती है। हम उस बच्चे को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमारे ठीक है, अब हमारा जो बच्चा है उसकी जो समस्याएं हैं हमें उसके को क्या करना है, दूर करना है, या उस बच्चे को हमें अधिक से अधिक लाड प्यार देना है, उस बच्चे को हमें ठीक करना है। और ऐसे में कह सकते हैं कि परिवार का सहयोग, समाज का सहयोग, हमारे जो भी रिलेशंस हैं उनका सहयोग बहुत ही अपेक्षित होता है। जब वो आपस में एक दूसरे का हम सब सहयोग करते हैं तो उस स्थिति से उबरना हम सबके लिए आसान होता है। इस लेक्चर में हमने रिएक्शन एंड इम्पैक्ट ऑफ डिसेबिलिटी ऑन फैमिली नीड्स एंड काउंसलिंग के बारे में देखा, किस तरीके से एक परिवार में जब विशेष बच्चा जन्म लेता है तो उनकी जो रिएक्शंस होते हैं वो किस स्टेजेस से गुजरते हैं, उसका इम्पैक्ट फैमिली पे क्या होता है, उनकी नीड्स कैसे परिवर्तित हो जाती हैं, और उन्हें काउंसलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। धन्यवाद।